आज मैं बना रही हूँ चाय के साथ लेने के लिए हल्का फुल्का स्नैक्स आइटम। इस स्नैक्स आइटम को बनाने के लिए मुझे बाहर से कुछ भी लेना नहीं पड़ा है। ये मैं आटे का बना रही हूँ और आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। मैं ये 2 बाउल आटा ले ली हूँ, गेहूँ के आटे हैं, और इसमें 1 टेबल स्पून रखूँगी चिल्ली फ्लेक्स। ये देखिए मैं चिली फ्लेक्स रख दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा डालूँगी अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून मैंने अजवाइन लिया है और इसमें रख दी हूँ। और इसमें 1/2 टेबल स्पून ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। इसमें सौंफ रखना है, 1/2 टेबल स्पून मैंने सौंफ रख दिया, और 1/2 टेबल स्पून इसमें करौंजी रखेंगे। ये देखिए इसमें डाल दिया, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। ये नमक भी ऐड कर दिया। अब मैं ली हूँ टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कस्तूरी मेथी। ये देखिए मैंने कस्तूरी मेथी लिया है, ये पैकेट वाला है, आप चाहें तो खुला वाला भी ले सकते हैं। ये देखिए इसमें ज़्यादा नहीं रखूँगी, बस 1 चुटकी के बराबर रखूँगी। ये कस्तूरी मेथी भी रख दिया। अब मैं इसमें रखूँगी 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, आप चाहें तो इसमें घी, बटर या रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे मस्टर्ड ऑयल से बना रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 3 स्पून ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसे 5 से 7 मिनट तक मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मेरा 5 से 7 मिनट हो गया है कंप्लीट, और ये आटा हो गया है मिक्स। ये नमक पारे बनने से पहले ही पता चल जाता है कि ये खास्ता बनेगा या नहीं। कैसे पता करेंगे? इस आटे को मैं हाथ में लेके इसे मुट्ठी बंद कर रही हूँ। अब देखिए इस मुट्ठी को खोलने के बाद इसमें क्या हो रहा है, ये आटा का गुठली बन जा रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस आटे को मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा डालने से ये गीला हो जाएगा। और ये आटा गुथ के हो गया है रेडी। अब मैं एक छोटा सा इसमें से लोई ले लूँगी। ये अब मैं एक लोई ले ले रही हूँ, ये ले ली। अब मैं इसे एक गोला शेप में बना के इसे प्रेस कर दूँगी और इसे सर्कल शेप में ले आऊँगी बना के। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे गोला करके इसे प्रेस कर दी हूँ। इसे बेलूँगी नहीं, बस इतना ही मोटा काफ़ी है। अब मैं एक सीज़र ले ले रही हूँ, किचन का सीज़र, और इससे मैं कट कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से कट करने से ये होता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो जो बेल के फिर हम नाइफ से कट करते हैं, उस तरीके से थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। पहले बेलो, फिर उसे कट करो, फिर फ्राई करो। और ऐसे होता है कि आप लोई ले लो और फिर कट करके और डीपली फ्राई कर लो। ये देखिए ये सेब भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और ये इसी तरीके से मैं सारा कट कर ली हूँ, और ये कट हो गया है। ये देखिए कितना खिला खिला, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दे रही हूँ और इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दूँगी। अब ये कढ़ाई हो गया है गरम। अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि आज मैं मस्टर्ड ऑयल का बना रही हूँ। ये देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और इसे गरम होने के लिए रख दे रही हूँ। ये मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है। अब मैं ये देखिए नमक पारे रख दे रही हूँ कढ़ाई में। इसमें ज़्यादा ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, जितना इसमें आ सके उतना ही ऐड करूँगी। ये देखिए अब इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी इसमें, और इसी को मैं अच्छे से डीपली फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें का तेल निकाल के इसे बाहर रख ले रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। ऐसे मैं ये सारा निकाल लूँगी। ये देखिए
ये मेरा बन के हो गया है रेडी। और बाकी का जो नमक पारे बचा है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। बाकी का मैं रख दे रही हूँ इसमें, ये देखिए ये रख दिया और ये भी हो गया है फ्राई। अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ, अब उसी प्लेट में मैं रख ले रही हूँ। सारा नमक पारे निकाल के मैं रख ली हूँ। देखिए ये नमक पारे बन के हो गया है रेडी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे बनाने में, ये बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरीके से मेरा नया नया रेसिपी देख सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।